विगत दिनों मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला को घुमाए जाने और उसके बाद भीड़ द्वारा महिला के साथ गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर जमशेदपुर के करंडी में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की गई। पुतला दहन कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। पिछले दिनों मणिपुर में महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया और भीड़ ने महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। ये मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी चौक पर केंद्र व मणिपुर सरकार का पुतला दहन करते हुए अविलंब ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। केंद्र व मणिपुर सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द दोषियों को हिरासत में लेते हुए पूरे राज्य में शांति बहाल की जाए। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लालटू महतो, बहादुर किस्कू, बाली मार्डी, मनोज नाहा, जगता सोरेन, अली अख्तर, मोहम्मद अब्दुल रहीम खान, निज़ाम खान अब्दुल, बाबू सुल्तान, गणेश महतो, सोनाराम मुर्मू, मासूम सिंह, रातू हाजदा, सलाउद्दीन एवं और भी कई लोग शामिल थे। आप महिला हैं दीदी और महिला के साथ अत्याचार हुआ, क्या कहेंगी इस पर आप? मणिपुर का जो सीएम है अपना क्षेत्र में इतना अत्याचार किया कि दो महिला के साथ पूरा रोड में घुमाया, मतलब उसका शरीर में एक कपड़ा नहीं था। हम लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग देख के हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये लोग कैसा मतलब इसको बर्दाश्त कर पा रहा है। और यहाँ का जो भारत का जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उसने भी इसमें एक शब्द उसके बारे में खिलाफ में नहीं बोला है कि इतना बड़ा मतलब घोर अन्याय किया है। अभी तक उसका कोई बयान, बहुत हम लोग निंदा करते हैं, ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे आदिवासी के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, महिला के साथ इस तरह अत्याचार नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा करंडी चौक में पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य विषय यही था कि विगत दिनों मणिपुर राज्य में दो आदिवासी महिलाओं के साथ गैंग रेप और उसके साथ दुर्व्यवहार और निवस्त करके सड़क पर घुमाया गया, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए। और इसके साथ साथ इसमें हमारे केंद्र सरकार भी दोषी है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार मैंने जो दोषी लोग हैं उनको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी का सजा दिया जाए। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूले।